नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlallantop.com। एक नया सर्वे हुआ है। इस सर्वे में पुलिस वालों के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कहा गया है कि लगभग 50% पुलिस वाले ये मानते हैं कि किसी मामले में मुसलमान ही असल दोषी होते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि 72% पुलिस वाले ये मानते हैं कि किसी भी मामले की जाँच में उन्हें राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। ये सर्वे नई दिल्ली में मौजूद संस्थान CSDS ने किया है। CSDS मतलब सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। CSDS ने ये सर्वे करने के लिए 21 राज्यों के 12,000 पुलिस कर्मियों की सहायता ली। फिर संस्थान इस नतीजे पर पहुंचा। 27 अगस्त को इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश चेलमेश्वर की मौजूदगी में सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 14% पुलिस वाले मानते हैं कि किसी भी अपराध से मुस्लिम जरूर जुड़े होते हैं। वहीं 36% पुलिस वाले ये मानते हैं कि किसी अपराध में मुस्लिम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये आंकड़ा जोड़कर 50% तक हो जाता है। उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार के 2/3 पुलिस अधिकारी ये मानते हैं कि मुस्लिमों का अपराध करने की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। इन राज्यों में उत्तराखंड की स्थिति सबसे खराब है। उत्तराखंड में हर 5 में से 4 पुलिसकर्मी ये सोचता है कि मुस्लिम ही अपराध करेंगे। सर्वे में मॉब लिंचिंग का भी जिक्र है। कहा गया है कि 35% पुलिस वाले मानते हैं कि गौहत्या में अपराधियों को भीड़ की ओर से सजा दिया जाना स्वाभाविक घटना है। यही नहीं, अगर बलात्कार के आरोपियों की मॉब लिंचिंग हो जाती है तो भी 43% पुलिस वाले मानते हैं कि ऐसा हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है। पुलिस वालों के हालात पर भी सर्वे में बात हुई। निकल कर आया कि नागालैंड को छोड़ दें तो सभी राज्यों में पुलिसकर्मी 11 से 18 घंटे तक काम करते हैं। औसत है 14 घंटे। 46% से अधिक पुलिसकर्मी कहते हैं कि उन्हें जरूरत के वक्त सरकारी गाड़ी नहीं मिलती है। आगे बढ़े तो 37% पुलिस वाले ये मानते हैं कि छोटे मोटे अपराधों में कानूनी केस नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलिस को खुद ही इन छोटे मोटे केसों का निपटारा करने की छूट होनी चाहिए। फोर्स में महिलाओं की भी भारी कमी है। 2007 में पुलिस फोर्स में जहां 11.4% महिलाएं थीं, जो 2016 में घटकर 10.2% रह गई। कोई भी ऐसा राज्य नहीं मिला जहां 33% महिलाएं फोर्स में हों। रिपोर्ट को पेश करते वक्त पूर्व जस्टिस चेलमेश्वर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर कहा, एक ही अधिकारी खासा परिवर्तन ला सकता है, लेकिन यहीं पर यह सवाल उठता है कि उस अधिकारी को वहाँ कौन बिठाएगा। चेलमेश्वर ने यह भी बताया कि अपने न्यायाधीश काल में भी ऐसे कई मामले देख चुके हैं जिसमें पुलिस कर्मियों ने नियमों की अनदेखी की है। बस इसलिए कि किसी को बुरा लगे, इस वजह से किसी का ट्रांसफर कर देना सजा के तौर पर एक बड़ी समस्या है। संवैधानिक जज भी इस सिस्टम से अछूते नहीं है। कुल मिला के ये सर्वे बताता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कितने बड़े लेवल पर बदलावों की जरूरत है। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद इस ओर सरकार कदम जरूर बढ़ाएगी। आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।